हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। काफ़ी बड़ा वीकेंड था और वीकेंड के बाद वीक शुरू हुआ है, नया वीक। तो आज अगर देखें तो निफ्टी हफ्ते के पहले ही दिन यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर ट्यूसडे की बात करें, हर ट्यूसडे हमने देखा है एक बोरिंग सा फेज, सिंपल वे में कहे साइडवेज पैटर्न को एक बोरिंग फेज हमें देखने को मिलता है ट्यूसडे के दिन, वही आज हमें देखने को मिला। अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं वो देखते हैं, लेकिन सबसे पहले वीकली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर इस तरह से ये पैटर्न बना था जहाँ पर जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी थी और इसका लो अगर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये पिंक लाइन के यहाँ पर आता है, जो कि अराउंड अभी 19,267 के पास है। तो अगर ये जो लो टूटता है लास्ट वीक का, इसके नीचे अगर चला जाता है तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल लास्ट वीक का जो लो है उसके आसपास कहीं ना कहीं ये सपोर्ट आज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो लेट्स सी, 19,492 के नीचे अगर चला जाता है, आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 19,250 के आसपास होगा। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, वीकली चार्ट है। अभी डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में ये जो ब्लू लाइन है इसको पकड़ के निफ्टी चल रहा था, लास्ट कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था इसको पेनेट्रेट करके निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। तो अभी सिमिलरली यहाँ पर भी ब्लू लाइन को ये पेनेट्रेट कर रहा है। अगर ये लास्ट वीक यानी जो हमने वीकली चार्ट में देखा 19,492 के पास लास्ट वीक का लो है, तो वो अगर टूटता है तो निफ्टी यहाँ पर एज पर डेली चार्ट ये जो ग्रे लाइन है ये भी अराउंड 19,224 के आसपास है। यानी पकड़ लेते हैं ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये भी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो 19,250 नेक्स्ट सपोर्ट है अगर 500 को ब्रेक करता है। तो यहाँ पर डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो देखा। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट पर, कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। आप देख सकते हो सुबह का ये फर्स्ट आर का कैंडल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, और उसके बाद देखिए इसी रेंज के बीच में पूरा दिन ये ट्रेड हो रहा था। तो कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा आज का लोएस्ट क्लोजिंग लेवल 60 मिनट के चार्ट में जो बन रहा है 19,500, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 19,480 और 19,481, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा अराउंड 19,458, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ आता है तो आज जहाँ पर ये बाउंस बैक हुआ और फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ फिसला, तो 19,557 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 19,571 और सेकेंड टारगेट होगा 19,586, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये हो गया निफ्टी। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी में तो समझ ही आया होगा आपको कि किस तरह से बोरिंग फेस था। ये सुबह का रेड कैंडल और उसके बाद देखिए पूरी तरह से साइडवेज पैटर्न। इसे मैं 60 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं लास्ट 4-5 दिनों से बैंक निफ्टी में भी काफी एक मोमेंटम लेस ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रहा है, लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये पिंक लाइन और ब्लू लाइन जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो अभी कल के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल जो है ये अराउंड होगा 44,292, फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 44,238 और सेकेंड टारगेट होगा 44,180। ऊपर की तरफ आता है तो हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा ये पिंक लाइन जो कि अराउंड 44,468 के पास है। इसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 44,529 और सेकेंड टारगेट होगा 44,590। तो ये है इंट्राडे लेवल्स कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। छोटा सा इंट्रो ट्रेडिंग फैब के बारे में। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, अंजल ब्रोकिंग है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम चैनल की मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो आपको करना क्या है, सपोज आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। आपको आपके डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है, काफ़ी सेफ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है
तो एक दिन में आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है हमें, ताकि आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो